हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन सा साइज किस बच्चों के लिए चलता है न्यूबॉर्न बेबी का ब्लैंकेट के समय। अब मैं आज दिखाने आया हूँ आपको फैब्रिक कि आप जो न्यूबॉर्न बेबी का ब्लैंकेट खरीदने जा रहे हो या ऑनलाइन खरीद रहे हो तो फैब्रिक क्या क्या देखना है। एक फैब्रिक होता है फ्लीस इस टाइप का फैब्रिक होता है ये बहुत गर्म है बट ये थोड़ा सा रफ होता है और रिजनेबल भी होता है। सेकेंड फैब्रिक होता है फ्लैनल, ये होता है सिल्की एकदम सॉफ्ट फैब्रिक होता है पर ये है कि ये एसी और ऑल वेदर वगैरह में यूज हो सकता है। और तीसरा फैब्रिक में बताता हूँ शेरपा। फ्रंट में तो प्रिंटेड वेलवेट फैब्रिक है और बैक साइड में होता है शेरपा। शेरपा जो होती है काफी अच्छी होती है और काफी गर्म होती है। उसके बाद आता है जब हैवी विंटर में आ जाते हो, अगर आप हैवी विंटर के हिसाब से देख रहे हो तो आप मिंक ब्लैंकेट लो बच्चों के लिए जो कि काफी मोटा और काफी गर्म, बट इंडियन लेना आपने क्योंकि इंडियन जितने भी ब्लैंकेट या फ्लीस आता है ये सब गर्म बहुत होता है। बाकी और कोई डिटेल है या रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके ले सकते हैं। ये मैंने आज चार फैब्रिक बताए जो बच्चों को प्रोडक्ट खरीदते समय ध्यान रखना है। थैंक यू।